हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7th का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 के हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से समझिए, ध्यान से अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए, क्वेश्चन इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी बेसिक कंसेप्ट्स की, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपको इसके बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पता है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करके और फटाफट से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम करते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, इसके हमें कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? जिन एंगल्स का हम सम करके, ठीक है, ऐड करके उनका सम 90 बने, जिन दो एंगल्स का वो ऐड करके उनका सम 90 बने, उनको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स उस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स मतलब दो एंगल्स का सम 90। अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है और कोई एंगल गिवन है तो हमें क्या करना होता है, उसे 90 डिग्री में से माइनस कर देना होता है। करेक्ट है, जो एंगल हमें गिवन होता है उसमें उसे हम 90 डिग्री में से लेस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसको करके बताती हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर का हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट का हमें एंगल क्या गिवन है, इस तरीके से, ये इस तरीके से हमें एंगल गिवन है, राइट, ये है, और ये एंगल हमें कितना गिवन है, 20 डिग्री। ओके, हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, अभी मैंने क्या बताया, 90 डिग्री में से जो एंगल गिवन होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना निकल गया, 70। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हमें इसके बाकी के दोनों पार्ट भी करने हैं। करेक्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया, आप लोग कर लेंगे। 90 माइनस 63 कर देंगे तो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा, 90 माइनस 57 करेंगे तो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सारे पार्ट कवर कर लिए, ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें क्या निकालना है, सप्लीमेंट एंगल निकालना है। क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है, जो एंगल्स हमें दिए हैं उनके सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट के लिए हमारा रूल क्या होता है, सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 हो। क्या होता है सम, 180। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट में क्या किया था, 90 में से वो एंगल माइनस कर दिया था तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। सप्लीमेंट निकालना है तो 180 डिग्री में से इस एंगल को लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है और आंसर निकाल के आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, राइट। अब देखिए, इसमें जो हमें एंगल दिया है फर्स्ट पार्ट का, वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, इस तरीके से हमें एंगल दिया हुआ है, ये हमारा 105 डिग्री गिवन है, राइट, इस तरीके से। इसका सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट के लिए मैंने क्या कहा था, सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस जो गिवन है 105 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट निकल जाएगा। किसी भी एंगल का हमें सप्लीमेंट निकालना है तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये कितना आ गया हमारा, 75 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालते हैं, सेम इसी तरीके से इसके बाकी के दोनों पार्ट भी आप लोग कर लेंगे। 180 डिग्री में से इसको लेस कर देंगे तो हमारा सप्लीमेंट आ जाएगा, 180 डिग्री में से 154 लेस कर देंगे तो हमारे सप्लीमेंट एंगल्स आ जाएंगे। ओके, नाउ ये क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
ओके तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन इज सेइंग आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये जो हमें पेयर्स दिए हैं ये पूछा है कौन से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री है। क्या पूछा है कि ये जो पेयर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से पेयर हमारे सप्लीमेंट्री हैं और कौन से पेयर्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों एंगल्स का जो दो पेयर दिया उन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जब दो पेयर्स जो दिए हैं उनका सम हो 90 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो अगर हमारा फर्स्ट पार्ट है, अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, अगर इन दोनों का सम 90 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, राइट। अब चलिए हम इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट वन। ओके तो हमें जो पेयर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हम फटाफट से देख लेते हैं। पेयर हमें दिया है फर्स्ट पार्ट का 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो इसका हमें पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स, कितना है सम ऑफ टू एंगल्स 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। तो आंसर हमारा कितना आया 180 डिग्री। कितना आया दोनों का सम 180 डिग्री। तो सम जब 180 आया तो हमारा कौन सा एंगल्स होंगे, ये कौन सा पेयर होगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल एंगल्स क्यों होंगे, बिकॉज या बिकॉज लिख सकते हैं, या एज द सम इज 180 डिग्री, क्योंकि सम क्या है 180 डिग्री है, इसलिए ये कौन से एंगल से सप्लीमेंट्री, करेक्ट है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट करके चेक करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेकंड पार्ट हमें कितना दिया है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। नाउ हम फिर से सम निकाल लेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स क्या हो जाएगा 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, जिसकी वैल्यू आई 90 डिग्री आ गया। जब सम 90 डिग्री आ गया तो कौन सा होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सबको पता चल चुका है। अगर सब 90 डिग्री होते हैं तो कौन से एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर सब 180 होते हैं कौन से एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो रीजन लिख दीजिएगा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द सम इज 90 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। बस इसी तरीके से हमें इसके सारे पार्ट्स को चेक करना है ये, ठीक है। अगर सम 180 आता है तो सप्लीमेंट्री, अगर सम 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। ओके चलिए हम इसका एक पार्ट और करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या करना है, एंगल निकालना है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल ऐसे निकालना है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा कौन सा एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर हम 45 को ऐड करें, 45 डिग्री को ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये 45 दोनों एक दूसरे के इक्वल है और दोनों कॉम्प्लीमेंट भी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ओके इसी तरीके से क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कहा, कौन सा ऐसा एंगल है जो कि सप्लीमेंट की उसके सप्लीमेंट के इक्वल होता है, उसके सप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो सप्लीमेंट एंगल्स हमारे कौन से होते हैं जिनका सम 180 आता है।
तो ये 180 हमें दोनों इक्वल चाहिए, जब इक्वल चाहिए हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वैल्यू क्या आई हमारी 90, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90। तो 90 एंगल है जो कि सप्लीमेंट है और उसके सप्लीमेंट के इक्वल भी है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7th। ओके, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।